तो हरियाणा की मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़ जारी कर दी गई हैं आप देख सकते हैं एच सी एस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज तो आई ए एस का जो एक मिनी प्रारूप होता है वो ये वैकेंसीज़ हैं जिसका इंतजार सभी कैंडिडेट्स करते हैं एच पी एस सी ने वो जारी कर दी है एडवर्टाइज़मेंट नंबर अट्ठावन दो हज़ार तेईस तो हरियाणा में अब अफसर बनने का मौका आपके सामने फिर एक बार आ गया है डेट ऑफ पब्लिकेशन सत्रह ग्यारह तो ऑनलाइन आवेदन अभी ही शुरू हुए हैं कल से एक दिसंबर सन 2023 से और लास्ट डेट है 21 दिसंबर सन 2023 तो मेन मेन बातें मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट की बता देता हूं अप्लाई कैसे करना है जैसा कि हमेशा से होता आया है ऑनलाइन आवेदन आपको करना है एच इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो लास्ट डेट आप ध्यान रखें 21 दिसंबर है अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर आप वर्किंग डे पर कॉल कर सकते हैं वन एट डबल जीरो वन एट डबल जीरो फोर थ्री वन और हेल्प डेस्क पर आप ईमेल भी कर सकते हैं और नेम एंड कैटेगरी वाइज बाईफन अभी मैं आपको बता देता दें टोटल एक सौ इक्कीस वैकेंसीज निकाली गई हैं आप देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन एस सी एस जो कि एक मिनी प्रारूप होता है आई सी आई एस का तो जनरल की है एक बी सी एफ हरियाणा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल माना जाएगा यह बात ये बात आप ध्यान रखना इसलिए बीसीए के नीचे ऑफ हरियाणा लिखा गया है एक वैकेंसी है ईडब्ल्यू की भी एक है टोटल है तीन तो बहुत कम वैकेंसीज है लेकिन फिर भी एक सीट आपके लिए हो सकती है इसी प्रकार से है डीएसपी डेप्यूटी सुप्रिंड ऑफ पुलिस टोटल है छह वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप देख लेना एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ईटीओ आप देख सकते हैं टोटल है आठ डीएफएससी एआरसीएस आर सी एस एसिस्टेंट की भी है वैकेंसीज सबसे ज्यादा है सैंतीस और उसके बाद है टी एम डी एफ एस ओ ए तहसीलदार क्लास वन टोटल हो गई 121 वैकेंसीज तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप साथ साथ देख लें जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आप अप्लाई कर दें अगर आपको फुल फॉर्म देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया एस सी एस डी एस पी ई टी ओ डी एफ एस सी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर ए आर सी एस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में ए टी ओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर इसके बाद प्रोमोटोग्राफ ए टी ओ बनते हैं वो, पर, वो भी वैकेंसी ऊपर दी गई है बी डी पी ओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर टीएम ट्रैफिक मैनेजर डी एफ एस ओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर ये सभी बहुत ही ज़्यादा लिक्रेटिव जॉब्स होती हैं सभी इनका इंतजार करते हैं एक ड्रीम जॉब होती है ये सभी ठीक है तो द पोस्ट ऑफ एस सी एस एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर ऑफ ग्रुप ए रेस्ट आर द पोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ़ द पोस्ट ऑफ एलाइड सर्विसेज जितनी भी हैं, बाकी जितनी वैकेंसीज़ वो ग्रुप बी की हैं और जो एग्जीक्यूटिव एक्जिकु, ब्रांच है, है प्री तो एग्जाम होगा ग्यारह फरवरी को हो सकता है रिटर्न एग्जाम मेन्स का तीस मार्च से इकतीस मार्च तक हो सकता है और इंटरव्यू टू बी अनाउंस लेटर बाद में आपको बता दिया जाएगा जैसे भी प्री और स का होगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप जब इसके लिए अलग से आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जो आपको बाद में बता दिए जाएंगे टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही पूरा जो स्ट्रक्चर है रिवाइज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है विल कंसिस्ट ऑफ थ्री सक्सेसिव स्टेजेस जैसे मैंने आपको बताया प्री मेन्स और इंटरव्यू ए बी सी तो प्री में क्या होगा जो कि स्क्रीनिंग है यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है दो पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइसेस होंगे जनरल स्टडीज 100 मार्क्स और सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 100 मार्क्स बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एम टाइप होगा दो घंटे आपको दिए जाएंगे एक पेपर के लिए बोथ द क्वेश्चन पेपर शेल बी सेट बाई हिंदी और इंग्लिश में होगा और फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है वन फोर्थ मार्क्स यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे द पेपर सेकेंड दैट इज सी सेट शैल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्सड एट थर्टी थ्री परसेंट तो थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है सी सेट में रिजल्ट ऑफ प्री एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ टेंगे पेपर वन ओनली तो देखिए प्री का जो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा सी सेट में तो आपको तैतीस परसेंट मार्क्स आपके आगे तो पास मान लिया जाएगा और जो मेन्स के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे पेपर वन के आधार पर प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज कोट थर्टी थ्रीट इन सी सैट

जिससे कि आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप अटैम्प नहीं करना चाहते हैं इफ़ ऑफ द सर्कल इज डार्ड वन फोर्थ मार्क्स डिडक्टेड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट है जो लास्ट अटैम्प्ट में हुई है अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं पहले क्या होता था आप छोड़ाते थे ए बी सी डी में से अगर आप कोई ऑप्शन मार्क नहीं करना चाहते हैं, मत करिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी लेकिन क्या है अब की बार जो चीटिंग या फिर इन्होंने जो सिस्टम बनाया है कि खाली छोड़ाते थे, थे फिर पैसे देकर ऐसा कोई सिस्टम होता था कि भरवा दिए पीछे भी बहुत सारी न्यूज़ आई थी मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता लेकिन इन्होंने अब सिस्टम निकाला है कि आप कोई भी अगर आप ऑप्शन नहीं देना चाहते आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन मार्क करना होगा ई वाला ऑप्शन जो कि है कि आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं क्वेश्चन अगर आपने मार्क नहीं किया कोई भी ऑप्शन तो आपके वन फोर्थ मार्क्स काट लिए जाएंगे इस बात का आप खास ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा स्टेप है एच द्वारा एनी कैंडिडेट द फाइव सर्कल इज इन मोर देन टेन परसेंट क्वेश्चन सेल्फी डिस्कालीफाइड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मान लीजिए सो क्वेश्चन है सो में से आपने दस क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया तो आपको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से यह बात का आपको ध्यान रखनी है ठीक है नेगेटिव मार्किंग भी रख दी गई है इसको रोकने के लिए कि आपको एक ना एक मार्क करना ही पड़ेगा इनकेस एनी एडमेंडमेंट इज मेड इन एस सी एस एंड अदर एलाइड सर्फ एग्जामिनेशन और इन एस सी एस रूल दो हजार आठ द सेम विल बी ऑल्सो भी अपलीकेबल टू दिस एडवर्टाइजमेंट तो अगर कोई बार बार आप जो है वेबसाइट लगातार चेक करते रहें कोई भी अमेंडमेंट होगी तो आपको अपडेट रहना है द प्री एग्जामिनेशन ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट ये मैं आपको बताई चुका हूँ एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का बेस्ड ऑन द प्री एग्जाम रिजल्ट कैंडिडेट ट्वेल्व टाइम्स तो बारह गुना कैंडिडेट प्री में से उठाए जाएंगे मेन्स के लिए द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन डेट ऑफ बर्थ तो जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो रिजर्वेशन का डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ का द सिलेबस फॉर द प्री एग्जाम इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे मेन रिटर्न एग्जाम इट एल कम्प्राइज ऑफ चार पेपर होते हैं मेन्स में छः सौ मार्क्स के इंग्लिश हंड्रेड मार्क्स हिंदी हंड्रेड मार्क्स जनरल स्टडीज दो सौ और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दो सौ मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नीचे देख सकते हैं कोई भी एक आप इसमें से चूज कर सकते हैं The candidates are directed to opt select only one option subject out of the above 29 option. तो 29 option है जिसमें से आप एक select कर सकते हैं. It should be noted that no change in the option subject opted will be allowed at any stage. एक बार जो आपने opt कर लिया, बाद में आपको change करने का option नहीं दिया जाएगा. List of compulsory subject ये compulsory subject है. English ये तो compulsory ही है. ये आप एक बार देख लेना. तो तीन घंटे का आपको समय दिया जाएगा एक पेपर के लिए No candidate shall be called for the personality test unless he he नो at least 45% marks in the in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks in each Hindi in English. तो देखिए इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं किया जाएगा यदि आपके मीन्स में कम से कम 600 में से 45% परसेंट मार्क्स नहीं आते हैं तो और उसमें भी जो 33% थ्री परसेंट मार्क्स इंडिविजुअल आपके आने चाहिए जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में फाइनल सिलेक्शन on बेस्ड merit list मेरिट लिस्ट prepared on the basis ऑफ टोटल मार्क्स

वन टू थ्री जो पेपर है इंग्लिश हिंदी और जनरल स्टडीज का उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे मेरिट लिस्ट में स्थान दे दिया जाएगा एक बार तो टोटल मार्क्स कंपल्सरी पेपर ऑफ सच कैंडिडेट आर स्टिल इक्वल अगर ऐसा हो कि कंपलसरी पेपर में भी दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाए फिर क्या होगा देन द कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी कंसिडर्ड हायर इन मेरिट तो जो उनमें से उम्र में बड़ा है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग एंड यूज देर ओन नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी कि सिंपल कैलकुलेटर आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं बेर एक्ट स्लो ये आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी बस सिलेबस ऑन द मेन एग्जाम्स अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पर्सनल टेस्ट मैंने आपको बताया इंटरव्यू तीन गुना कैंडिडेट मेन्थ्स से बुलाए जाएंगे वो मेन्स में कैसे बुलाए जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया छः सौ में से पैंतालीस परसेंट मार्क्स मिनिमम होने चाहिए तभी आप तीन गुना कैटेगरी में आ पाएंगे इंटरव्यू के लिए और थर्टी थ्री परसेंट हिंदी इंग्लिश में भी होने चाहिए

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है कुछ चेंज है नहीं एज लिमिट आप एक बार जरूर देखें यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है इसमें अट्ठारह से बयालीस सभी के लिए नहीं होती है यहाँ पर देखिए वैसे तो सभी पोस्ट के लिए है अट्ठारह से बयालीस साल एक जनवरी सन दो को देखी जाएगी लेकिन डी यानी कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए जो है वो अलग एज लिमिट है अट्ठारह से सत्ताईस साल यहाँ पर कम होती है क्योंकि इनको यंग ब्लड चाहिए डीएसपी के लिए एज रिलैक्सेशन वही हरियाणा गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन अगर आप एस सी ओफ हरियाणा है पाँच बी सी बी हर बी सी हरियाणा के हैं तो पाँच साल डिसेबल्ड पर्सन ऐसे ही आप देख लीजिए और भी मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं रिसेंटली जैसे कि ए ओ बिजली बोर्ड में की वैकेंसी निकली है वो भी आप भर सकते हैं इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकली हैं इंजीनियर की एच डी ओ की वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं जरूर आप उनको भी देखें वहाँ पर भी सेम इंस्ट्रक्शन हैं ये एज लिमिट के बारे में तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी वैकेंसीज़ की और हरियाणा पुलिस सर्विस डीएसपी के लिए जो है यहाँ पर जो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए चेस्ट कितनी होनी चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन के बाद कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर दी गई है फीमेल के लिए केवल हाइट देखी जाएगी मेल के लिए हाइट चेस्ट और चेस्ट विथ एक्सपेंशन देखी जाएगी द चेस्ट एक्सपेंशन वन एंड हाफ थ्री पॉइंट एट वन सी एम इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है मैं आपको सिर्फ मेन मेन बातें बता देता हूँ आपको खुद भी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है एविडेंस ऑफ एज वही मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विलेंट अकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर दसवीं का सर्टिफिकेट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो तो क्वालिफिकेशन क्या है बैचलर ऑफ आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो या फिर इक्विलेंट हो 21 दिसंबर सन 2023 को देखी जाएगी इस बात का आपको ध्यान रखना है फीस वही हज़ार ढाई सौ ढाई सौ अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल के हैं या फिर एक्स सर्विस मैन से हैं तब भी डिपेंडेंट सन है दो तो हजार मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास है क्रीमी लेयर से दो हज़ार मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ओल्ड रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं अदर स्टेट के हरियाणा से बाहर के तो आपको यहाँ पर जनरल माना जाएगा हजार रुपये लिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट है तो ढाई अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं हरियाणा से हैं चाहे ईडब्ल्यू एस है चाहे मेल है, है फीमेल है ढाई सौ और अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी हैं और फोर्टी परसेंट कम से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी और रिफंड नहीं होगी एक बार अगर आपने पे कर दी तो इस बात का आप हमें यही ध्यान रखें अप्लाई कैसे करना है डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप फिर भी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो एच पी पर जाइए और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाइए तो आपको आपको एडवर्टाइजमेंट के सामने लिंक मिल जाएगा द कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर फाइनल सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन तो रेफरेंस पर्पज़ के लिए आप अपने पास रखें भेजना नहीं है आप अपने पास जरूर रखें अगर आप एग्जिस्टिंग किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल एन जरूर ले लें कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो आपके डिपार्टमेंट को इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए खासकर उनको जरूर लेना जरूरी है जिन्होंने बॉन्ड साइन कर रखा है कैंडिडेट हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कमीशन टू तो बी गिल्टी ऑफ ये सब चीजें अगर आप इनमें से कोई एक है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कोरोस्पॉेंस विद कमी आपको बता चुका हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऊपर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे नाइन टू सिक्स पर और भी मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं तो कोई और इंस्ट्रक्शंस में खास है नहीं